पूरे मिशन में आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को सूर्य के पास L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी और इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। ये आदित्य L1 का आखिरी मुकाम है जहां पर स्थापित होने के बाद वो 5 सालों तक सूर्य के बारे में तमाम जानकारियां इसरो को देता रहेगा। ये मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और आदित्य L1 ने 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया और अपनी तय मंजिल पर पहुंचा है जहां सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर हॉलो ऑर्बिट में वो चक्कर लगाता रहेगा। So basically it's a halo orbit, it's an orbit which moves around L1 point with a size of 6 lakh kilometer in one dimension, 2 plus lakh in one, another dimension, 3, 1 lakh in 1 lakh kilometer in another dimension. So it formed like an egg. So in this new orbit it has to be placed, it has to be very precisely put. If you don't do the correction today, it will escape from this point. Okay, we will not allow it to escape if it does not happen. There are some contingencies, but I am only telling mathematically it can escape. So that has been very precisely done. Ultimately, what we achieved today is exact placement based on our measurement and very correct prediction of the velocity requirement. The computer decided to cut off at the accelerometer based cutoff has happened. So right now it is at the, in our calculation, it is at the right place. जरा अपने सूर्य को जान लीजिए कि सूरज के अंदर होता क्या है, जिसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक करके बिंदुओं को समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या होता है सूरज का कोर। ये ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। तापमान होता है यहाँ का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद रेडियो एक्टिव जोन जो होता है, कोर से निकली ऊर्जा 20 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब आपको एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि स्टडी इसकी क्यों करनी है। यहाँ जरा देखिए फोटोस्फीयर, सूर्य का नजर आने वाला हिस्सा, तापमान 555 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज देखिए आप कि यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है लेकिन यहाँ अंदर कोर में रहते 5500 डिग्री सेल्सियस। इसी की स्टडी करनी है कि आखिर कोर में इतना ज्यादा और सतह पर इतना कम, अचानक से इतनी जल्दी ड्रॉप कैसे हो जाता है। कोरोना सूर्य का वायुमंडल सूर्य ग्रहण के दौरान दिखने वाला हिस्सा 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब आप देखते हैं कि येलो टोन से आपको रेडिश टोन दिखाई देता है एक्लिप्स के दौरान, तो वो ये होता है। क्रोमोस्फीयर बाहरी परत होती है, तापमान 4 से 6 हजार डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पूरे सूर्य को और देखिए और समझिए कि हर जगह अलग अलग आपको तापमान दिखाई देगा और इसी तापमान के डिफरेंशिएट तापमान की स्टडी करना मिशन है।